बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बेटा खैरियत से होंगे। और आज हमने डिस्कशन करनी है यूनिट नंबर 3+4, वर्क एनर्जी एंड पावर और सर्कुलर मोशन। जो है ये हमारे टॉपिक्स हैं और आई थिंक सो चूँकि टॉपिक्स आर सो ईजी, सो इसमें आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो फुल आने चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से। अच्छा बेटा, इसमें जो है ओवरऑल जहाँ जहाँ कैलकुलेशन है, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल हैं, हर डिस्कशन में मैं कोशिश किया करूँगा और मैं करता भी हूँ कि आपको शॉर्टकट्स जो हैं वो साथ साथ बताए जाते हैं, उन पे ज़रा गौर किया करें। कैलकुलेशंस के दौरान जो टीचर कैलकुलेशन कर रहा होता है उस पर गौर किया करें कि वो क्यों इस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है, इसका शॉर्टकट जो है वो किस तरह हो सकता है, क्या इस उस वाले क्वेश्चन को किसी और तरह से और ज़्यादा आसान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप भी उसके शॉर्टकट्स निकालने की कोशिश किया करें। सो यहाँ एंटी टेस्ट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम ये है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और विद इन द लिमिटेड टाइम और प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। यही आपकी टाइम मैनेजमेंट है और यही एंटी टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट। सिंपल है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आंसर हम कहेंगे बीटा, नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। इसमें की वर्ड है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कहता हूं मैं कॉन्सेप्ट है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो है जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, पर्सन इज पुशिंग अ वॉल, डिस्प्लेसमेंट जीरो। कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं जहां मैं बोलता हूं कि इसमें की वर्ड है, वो की वर्ड अंडरलाइन करना, वहां से आपने जो है वो आगे प्रोसीड करना होता है। इसमें की वर्ड ये है, सेकंड लाइन में अगर देखें तो वो कह रहा है सेम हाइट, अनदर मैन लिफ्ट द सेम मैस टू द सेम हाइट। आपने पढ़ा था कि वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, और अगर हाइट सेम है व्हाट डज इट मीन? आंसर जो है वो आपका 1:1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कि कीवर्ड हमारा है सेम हाइट्स, क्योंकि सेम हाइट्स तक दोनों उसको लेके जा रहे हैं, तो श्योरली जो वर्क डन की रेशो आएगी वो आपकी 1:1 आएगी, जो कि वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो बाकी चीज़ों को हमने नहीं देखना, चाहे वो एक 60 सेकंड में वर्क डन कर रहा है, दूसरा 60 सेकंड में कर रहा है, 30 सेकंड में कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है, डेट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हमने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखनी है। अगर सेम हाइट है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है, इट मीन्स वर्क डन की रेशो 1:1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, दैट इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। इसमें हमें वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आई होप सो सबका ठीक होगा। डॉट प्रोडक्ट लेना है और 5 2s are 10 और 3 1s are 10, 1 आ जाएगा माइनस के साथ, तो आपका बीटा आंसर बनेगा। मतलब यहाँ पर जो है 5i है और प्लस 3j डॉट 2i माइनस j। मैंने आसान सी चीज बताई हुई है, i वाली टर्म को i से मल्टीप्लाई करें, j वाली टर्म को j से मल्टीप्लाई करें, 5 2s are 10 माइनस 3 आंसर जो है वो प्लस 7 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी डेट इज आल्सो वेरी सिंपल। उसमें आपने प्लस mgh वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वर्क डन इज इक्वल टू प्लस mgh, और कहते हैं जी ड्रॉप किया है ना, इसलिए जी की वैल्यू डाउनवर्ड के लिए जो है वो प्लस यूज करते हैं, इसलिए मैंने प्लस साइन साथ मेंशन किया है कि प्लस है। सो इसमें 10 आपको कह रहे हैं और 10 मीटर हाइट जो है, और जी की वैल्यू आपके आपको मेंशन की हुई है उसने कि कितनी है, 9.8। तो आप वैल्यूज पुट कर दें, मैस की वैल्यू कह रहे हैं 10, जी की वैल्यू 9.8 और जो है एच की वैल्यू भी 10, तो ये सिंपल आपके पास 980 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें आपने एफ डॉट डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो 5 6 इसमें आ जाएगा आपके पास 30
और आगे k वाली टर्म जो है 5 4 20 30 -20 जो है वो चूंकि इसमें j नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए आपका आंसर डेल्टा 10 यूनिट्स बनेगा। डेट इज सो सिंपल। सो मैं सॉल्विंग कर रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? डेल्टा यानी d यानी 10 यूनिट्स आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जी, इसमें आपको दो फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे। अब जहां भी आपका जो है वो दो फॉर्मूले एट द सेम टाइम यूज हो रहे होते हैं वहां आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, कि कंफ्यूज होने की बात नहीं है बेटा, जस्ट देखा करें कि सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से आ रहा है। देखें, उसने हमें कहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन 15 kg बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द मोशन जो है वो क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड ऑफ द मोशन जो है वो आपने वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो कि हमें वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना बेसिक, वो पता है, वो होता है F into D। ठीक हो गया जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन, हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो उसने डिस्टेंस गिवन है, मैस उसका गिवन है, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है। अब मैं जो है यहाँ क्या करूँगा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ाहरा उसकी जगह फॉर्मूला जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज करूंगा, जो कि वो कह रहा था इनिशियली एट रेस्ट। लीनियर मोशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन यूज हो सकती है। सो ये वाली टर्म तो आपकी हो जाएगी जीरो। फॉर्मूला चूंकि उसने कहा इनिशियली एट रेस्ट और VI की वैल्यू जीरो है, तो ये सिंपल रह गया 1/2 AT स्क्वायर। अगर गौर से देखें कि फोर्स गिवन है, टाइम हमें गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन नहीं गिवन। अब एक्सेलरेशन बड़ा सिंपल है, चूंकि हमें पता है मास गिवन है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है MA, तो यहाँ से एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? F/M। सो सिंपल है, मैं आप अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लूंगा, एक्सेलरेशन जो है उसकी जगह मैं F/M इंटू टी स्क्वेयर। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, आप देखें एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया अकॉर्डिंग टू माय गिवन क्वेश्चन। सो अब फोर्स जो आपको गिवन है वो कितनी है भाई? 5 × 1/2। 5 मास जो गिवन है वो है 15 और टाइम जो है वो आपका है 1 सेकंड। तो 1 स्क्वेयर, अब ये आपका जो है ये इसको कैंसिल आउट कर दें तो ऊपर आपका बेटा आ जाएगा 25। ये F/M फोर्स भी 5 न्यूटन है, हाँ जी 5 न्यूटन और ओवर 13 है, तो ये बेटा आपका जो है वो ये 15 है, तो 5 × 3 = 15, तो आपके पास 5/6 आंसर बन रहा है। अब यहाँ आके ऑप्शन देख लेना है कि अगर उसने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है आप भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, अदरवाइज फ्रैक्शन में रहने दें। सो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है? चार्ली। सो आंसर इज चार्ली, 5/6 जूल बन रहा है। फिर से सुने, इसमें क्वेश्चन में आपको जो गिवन था, फोर्स गिवन थी, टाइम गिवन था और मास गिवन था। अब बात यह है कि जो पैरामीटर, अगर आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन है और वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास क्या है? F × D। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट में उसने जो है वो हमें हिंट ये दिया कि जो है ना उसने इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट किया है, सो हमने VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो गई। ठीक है जी, इस टर्म को हमने ना जीरो ले लिया, तो आपके पास सिंपल ये बया गया फार्मूला 1/2 AT स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक्सेलेरेशन भी नहीं गिवन, तो एक्सेलेरेशन की जगह हमें फोर्स और मास गिवन है, तो मैंने F/M पुट कर लिया। अब जस्ट आपके पास सारी वैल्यूज है, फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। सो इसमें बेटा आपका आंसर बनता है चार्ली। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, आगे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 जो है जी, इसमें आपके पास वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 किलोग्राम मास एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकंड। ये बहुत सिंपल है। सो ये आपने फॉर्मूला वर्क डन के लिए क्या यूज करना है? हाइट की तरफ लेके जाना है MGH। मास जो है वो आपको गिवन कितना है जी, इसमें 1 मीटर हाइट तक लेके जाना है 10 kg मास को।
सो 10 kg मैस 1 meter हाइट तक लेके जाना है। सो ये आप यहाँ 9.8 भी एग्जैक्ट लिख सकते हो, 9.8 एग्जैक्ट रख लेंगे तो ये आपके पास 98 बन जाएगा। सो सिंपल इज आंसर इज 98। अच्छा, चूंकि आप अपवर्ड लेके जा रहे हो तो एज ए कन्वेंशन यहाँ माइनस साइन भी आ सकता है। अगर आंसर जो है इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ उसने आंसर्स में, साथ अगर माइनस साइन भी गिवन होता तो हम माइनस वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करते, चूंकि वो कह रहा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो यहाँ फिर आंसर क्या बनता, माइनस एम जी एच वाला, ठीक है जी। तो अगर आंसर्स के साथ माइनस गिवन होता तो फिर हम बेस्ट चॉइस जो है वो माइनस 98 ही सेलेक्ट करते। तो इसमें आंसर क्या है चार्ली, 8G। अ 50 kg मैन विद 20 kg लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप 20 steps ऑफ 0.25 meter हाइट ईच, वर्क डन इन क्लाइंबिंग जो है इज टोटल वर्क डन, उसने पूछा है टोटल वर्क डन इंक्लूडिंग जो उसने मैस ऑफ द पर्सन है, इंक्लूडिंग जो मैस जो लोड का मैस है, दोनों को इंक्लूड हमें इसमें करना है। एंड वी गेट द आंसर जो है किस तरह से, लेकिन हमें पहले टोटल हाइट देख लेनी है। अब टोटल हाइट जो है वो आप इसलिए इजीली फाइंड कर लोगे क्योंकि बुक में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि अगर हम टोटल हाइट तक जाना चाहें किसी स्टेयर्स की तो वट वी हैव टू डू, उस टोटल हाइट तक जाने के लिए हमें सारे स्टेप्स को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है हर स्टेप जो है उसकी हाइट आपको बताई हुई है 0.25 meter और टोटल जो है वो 20 स्टेप्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल हाइट जो इसकी आएगी वो 20 × 0.25 meter, तो ये टोटल हाइट जो है इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, ये डेसिमल है तो इसकी जगह मैं यहाँ पर 100 कर सकता हूँ। आप देखो ये 20 × 5 हो जाएगा, आंसर आपके पास हाइट का क्या आ जाएगा, 5 meter। सो जितना कैलकुलेशन को आसान कर सकते करें आप, हमें शुरू में यहाँ हाइट फाइंड कर लेनी चाहिए जो कि डेसिमल है, बाद में कैलकुलेशंस में क्यों करना हमें। सो 5 meter हाइट आ गई। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है तो वहाँ से मैं एम जी एच वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अब टोटल जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है, हाइट जो है वो सॉरी मैस टोटल कितना हो जाएगा 50 + 20, टोटल मैस कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू मैं 10 नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंस हैं आंसर्स में। सो मैंने सिर्फ आंसर प्रेडिक्ट ही करना है, तो उसके लिए सिंपल है हाइट जो है हमारी कितनी आ गई है 5, तो 7 × 5 = 35, सीधा सीधा आंसर आपका 3500 जूल आ रहा है। इसका मतलब है आंसर जो है अगर जी की वैल्यू 9.8 लें तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 10 के साथ अप्रॉक्सीमेट आंसर है हमारा, आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा 3430 जूल, तो आंसर आपका डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल्ड, फोर्स को भी डबल कर दें डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दें तो वर्क डन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी, 9 जो है मैंने आपको वैसे लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन जो है वो एफ यानी फोर्स को भी डबल करने को कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल करने को कह रहा है। सो 2 × 2 = 4 into FD, इट मीन्स के जो न्यू वर्क होगा वो ओरिजिनल का कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। सो इसमें जो आपका आंसर बन रहा है वो कितना बनेगा, 4 times। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 10, मैस ऑफ द बॉडी 5 kg इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैन मूव ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, फोर्स ऑफ 10 N एक्टिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 विद एक्स एक्सिस डिस्प्लेसेस इट अलोंग एक्स एक्सिस 4 meter। सो बेटा इस तरह की लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है एग्जामिनर जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए समटाइम्स दे रहा होता है, इसमें उसको मैथ भी बता दिया आपको, का बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस। आमतौर पे अगर आप कोई फोर्स लगाते हो एट एनी एंगल, चूँकि हमने सिंपल पढ़ा भी है कि किसी ब्लॉक को आप लेट से के जैसे वो 60 के एंगल पे कह रहे हैं, आप फोर्स लगा के अगर उसको मूव कर रहे हो तो जाहिर है वो उसका फोर्स का एक ही कंपोनेंट जो है वो यूज होगा, वो कौन सा, एफ कॉस थीटा, जो अलोंग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगा या अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है
इसमें देखें कि समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है कि आपको जो लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो देता है। उसमें देखें मैथ्स भी गिवन है, आपको कहा बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला एक ही यूज होना है, एफ डी कॉस थीटा, सिंपल। लेकिन आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बनाई है। अब सिंपल सी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आप किसी भी एंगल पे भी फोर्स लगाते हो तो बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही मूव करती है। उसकी रीजन एक्स डायरेक्शन के अलोंग उसने मूव करना है, जो कि जो वर्क डन में इफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है। सो उसने अलोंग एक्स एक्सिस ही जाना है। तो सिंपल इसमें भी फॉर्मूला आपने यूज करना है, एफ डी कॉस हाफ थीटा। सो फोर्स आपकी मैंने है 10, कॉस जो है 4 मीटर कहता है मूव करना है, कॉस आपको कितना गिवन है 60, कॉस 60 आपने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर लिए होंगे 1/2। सो आपका आंसर जो है सिंपल कितना आ जाएगा, 20 जूल। तो सिंपल है, सो आंसर इसमें आपका 20 डेल्टा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जी, टू बॉडीज ऑफ मैस m1 m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज इफ p1 एंड p2 आर देयर रेस्पेक्टिव मोमेंटम्स द रेशियो ऑफ p1 p2 इक्वल टू। अब देखो बड़ा सिंपल है बेटा, इसमें मैंने आपको बार बार एक बात बोली थी कि एक फार्मूला ऐसा है जो बार बार यूज करना हमने, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और मैंने कहा था न्यूमेरिकल में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के न्यूमेरिकल में इस यूनिट से खासतौर पर। सो यहाँ हमने मोमेंटम को और मैथ को रिलेट कर रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको वो कॉन्स्टेंट रख रहा है। अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रख लें तो मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैस। यहाँ से देखें मोमेंटम डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एम। और अगर हम इनकी रेशियो बनाएं तो p1/p2 इज इक्वल टू m1/m2, लेकिन चौके ऊपर स्क्वायर रूट है इसलिए जो है इसकी रेशियो m1 स्क्वायर रूट रेशियो m2 बनेगी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रख लें। चौके उसने कहा दोनों काइनेटिक सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम स्केयर जो है वो डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैस के। और यहाँ से मोमेंटम डायरेक्टली पोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ मैस, क्योंकि मैस के साथ रेशियो निकालना है, तो आपका आंसर स्केयर रूट m1 रेशियो स्केयर रूट m2 यानी बीटा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जी, लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, ये भी इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा, सेम फॉर्मूले से रिलेटेड। अब देखो अगर मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं हम, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है, देखें इसमें मोमेंटम इस फॉर्मूले में कांस्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, मैस। इसका मतलब है जिस बॉडी का मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो बॉडी हैवी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसमें आंसर आना है विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, उसने पूछा है। सो लाइटर बॉडी जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 13 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अ बॉडी एट रेस्ट मे हैव, अब उसमें पूछा क्या है, एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी स्पीड, स्पीड नहीं हो सकती इसमें रेस्ट में है, मोमेंटम भी नहीं हो सकता क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो रेस्ट में है, वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, तो क्या हो सकता है, आंसर अल्फा। सो इसमें जो आपका आंसर जो है वो है अल्फा, यानी एनर्जी। एनर्जी कैसे हो सकती है किसी बॉडी में अगर कोई रेस्ट में हो, जैसे मैंने लेक्चर के दौरान आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इस वाले जो है ब्लॉक और जो है ना डस्टर को अपने हाथ में रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है हाथ में पकड़ा हुआ है, इस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, और एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हाइट की वजह से है। सो अगर मैं रेफरेंस ग्राउंड को लेता हूँ तो इसमें जो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, mgh, ग्राउंड से हाइट जो है। अगर मैं ये हाथ अपना रेफरेंस लेता हूँ फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। सो रेफरेंस टू रेफरेंस जो है वो वेरी करती है पोटेंशियल एनर्जी जो है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में भी हो उसमें एक एनर्जी होगी, कौन सी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इसलिए आंसर कौन सा है, अल्फा। 14 जी,
इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. ये तो सिंपल, एट द मैक्सिमम हाइट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. जो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते किसको है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन. तो इसमें आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली एट द मैक्सिमम हाइट, बीटा आंसर, सॉरी चार्ली एट द मैक्सिमम हाइट जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. चार्ली आंसर है 14 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. 30 जो है वो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, हाँ जी 15. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज 0.1% द इंक्रीज इन ऑफ इट्स मोमेंटम विल बी. ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, इनमें जस्ट ये याद रखना आपने बेटा कि फॉर्मूले आपने वही अप्लाई करने हैं जो आपने यूनिट नंबर 1 में अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट जो है वो आपने टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट में जो आपने फॉर्मूले जो रूल सीखे थे वही यहाँ अप्लाई करने हैं. इसमें 15 में जो है वो क्या है, हम देखें, हमने अभी अभी सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है 1/2 p² / m. तो इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी को हम कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, या काइनेटिक एनर्जी, हाँ जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेट कर रहा है, सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करें तो वो मोमेंटम का होल स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. सो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज 0.1% इंक्रीज इन मोमेंटम. सो अब देखो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का रिलेशन हमें काइनेटिक एनर्जी के साथ लेना है, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब ये हमें पता चल गया जी, ये इनका रिलेशन है. अब जो इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू, जाहिर है ये परसेंटेज इंक्रीज जो डायरेक्ट कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या है, यहाँ पर ऊपर पावर कितनी है, 1/2. इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, पावर ऊपर 1/2 है. तो रूल के अकॉर्डिंग जो है, जो अनसर्टेनिटी में हम रूल अप्लाई करते थे, वो जो पावर फैक्टर होता था वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई. सो इसमें हम कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम विल बी इक्वल टू परसेंटेज जो है ना वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मल्टीप्लाई बाय जो है वो पावर फैक्टर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब काइनेटिक एनर्जी में कितना कह रहे हैं इंक्रीज, 0.1%, और डिवाइडेड बाय जो है ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.05% आंसर आ जाएगा. सो मोमेंटम में परसेंटेज जो इंक्रीज है वो आपका 0.05%, यानी आंसर आपका बनना है अल्फा. फिर से सुनने, इसमें वही रूल अप्लाई होना है जो आपने यूनिट नंबर 1 में टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट में पढ़े थे. उसमें पढ़ा था जैसे जो इंक्रीज जो है काइनेटिक एनर्जी में आएगा वो जो है वो मोमेंटम को कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको पावर फैक्टर 1/2 है, तो वो 1/2 इसके साथ हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई. वहां भी हम पावर फैक्टर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ उसको आपने परसेंटेज इंक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना, इसका शॉर्टकट यही है. वैसे हम फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो वो दैट इज़ अ क्वाइट लेंथी मेथड, शॉर्टकट यही है कि आप उसके ऊपर वही रूल अप्लाई कर लें जो वहाँ पढ़े थे. अब इसका रिवर्स देखें, सपोज करें आपको काइनेटिक एनर्जी का पूछा होता, अभी इस क्वेश्चन में मोमेंटम का पूछा है, अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछा होता तो हम कहते परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता, 2 times परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम, जो कि इस मोमेंटम के ऊपर पावर फैक्टर क्या आ रहा है, 2. काइनेटिक एनर्जी के ऊपर चूंकि स्क्वेयर रूट था तो पावर फैक्टर क्या था, 1/2, इसलिए मैंने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और मोमेंटम के ऊपर चूंकि पावर फैक्टर 2 आ रहा है इसलिए मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई किया. सो इसमें जो है जी आंसर आपका बनेगा अल्फा. नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है. 2 bodies A एंड बी हैविंग मैसेज इन रेशियो 3:1 पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम. अब मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूंगा. अब देखें 2-3 times जब एक फार्मूला आप यूज कर लेते हो, आप भी ट्राई किया करें कि डायरेक्ट फार्मूला. अब हमें पता चल गया कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मैस, इसे मोमेंटम की रेशियो p₁/p₂ जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ मैस है तो m₁/m₂, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. मैसेज क्या, रेशो 3:1, तो मैं यहाँ भी पुट करूंगा 3/1, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3:1, आंसर आ गया. सो जब आप
एक फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हो तो फिर आपको शॉर्टकट याद हो जाते हैं, फिर बार बार आपको टोटल फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, आप डायरेक्ट लिखते हो, तो मोमेंटम और मास का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा अगर काइनेटिक एनर्जी को कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। सेम क्वेश्चन 17 जो है, सेम फॉर्मूला अगेन, क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखेंगे कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है। 17 में कहता है टू बॉडीज ऑफ मास 2m एंड m हैव देयर काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 8:1, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा। इसी फॉर्मूले से हम मोमेंटा की रेशियो जो है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये जो हमारे पास 17। सो क्वेश्चन 17 में भी जो है वो हमें यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। इसके अकॉर्डिंग जो है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है जी, अब ये तो 2 जो है वो जाहिर फॉर्मूले का पार्ट है, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बाकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इसका मतलब है मोमेंटम की रेशियो जो है वो आपकी बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1 over काइनेटिक एनर्जी 2 मल्टीप्लाई बाय m1/m2, ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर रूट। तो इसी फॉर्मूले से मैंने मोमेंटम को इक्वेट किया, तो चूंकि मोमेंटम के ऊपर स्क्वेयर था तो मैंने स्क्वेयर रूट 2m into काइनेटिक एनर्जी। अब देखना मास उधर जाके काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ने कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये फॉर्मूले का पार्ट है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। तो जब आप रेशियो लेंगे तो वैसे भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रेशो पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जीज की रेशो 8:1 है और मैसेज की रेशो 2m/m है। सो ये 8/1 है और वो 2m/m है, mm से कैंसिल हो, 8 × 2 = 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4:1 इज द आंसर। सिंपल है जी, आंसर आपका आ जाएगा बीटा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 18, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग मास 3 और मोमेंटम 2, और इसी में जो है वो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें उसने क्वेश्चन जो है 18 में जो पूछा है, मास आपको गिवन है, मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो मास आपको कितना बताया हुआ है इसमें 3, और मोमेंटम जो है वो कितना बताया हुआ है, वो है 2 newton second, 2 square, सो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी 2/3। ठीक हो गया जी, तो 2/3 जो चार्ली आंसर है, तो सिंपल है 18। 19, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट, बाकी प्रेशर मोमेंटम और पावर जो है ये तो एनर्जी में नहीं आएंगे ना, तो आंसर कौन सा आपका अल्फा, लाइट। लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव है ना, तो किसी भी टाइप की वेव होगी तो हम कहेंगे वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसमें आंसर अल्फा बनेगा। 20 वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन तो जाहिर है आप लोगों के फेवरेट होंगे और आपने जो है वो फ्रीक्वेंटली उसको सॉल्व कर लेना है। 20 में आपने फॉर्मूला पावर का कौन सा यूज करना है जी, mgh/T, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। मास जो है 300 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 यूज करेंगे, हाइट आपको 2 गिवन है, डिवाइडेड बाई 3, ये 3 × 1 = 3, तो आपके पास 2000 जो है वो वॉट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपके जो है वो आंसर आ गया। अच्छा, अब देखो, अब आंसर जो गिवन है वो 5880, 4410 और 2205, उसके बाद 1960 वॉट। अब आंसर हमारा डेल्टा है, वजह सिंपल, क्योंकि हम अगर यहाँ 9.8 लेते फिर हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाना, ऐसे ही है। सो मैंने 10 यूज किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमें आंसर प्रेडिक्ट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें आंसर प्रेडिक्ट करना होता है, हमें देर इज नो नीड कि हम कैलकुलेशंस को टफ बनाएं, जितना इजी रख सकते हैं उतना इजी रखें। मैंने यहाँ जी की वैल्यू 10 रखी है, तो अब हमारा आंसर 2000 वॉट है, इसका मतलब है हमारा आंसर नियर बाय 2000 होना चाहिए। तो अगर हम 9.8 रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 1960 आ जाएगा, डेल्टा आंसर है। 21 is also simple जी, a man does a given amount of work in 10 seconds, another man does the same amount of work in 20 seconds, the ratio of power output of first man to second man. अब power output जो है वो time पर depend करती है, जैसे इस question में जो है वो power जो है वो time के क्या है, inversely proportional, इसका मतलब है जो कम time में उतना ही काम करेगा वो उसकी power ज़्यादा होगी, ऐसे ना वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, तो इसमें चूंके हम पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं कहूंगा P1/P2 = T2/T1,
T1, सो इसमें T2 जो है वो 2 है, तो 20 सेकंड जो कह रहा है तो वो 10 है, सो 20/10 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1, सो इसमें जो आंसर है 2/1 यानी कि आपका आंसर बनेगा बीटा। 22 जी, अ बॉडी ऑफ 5 न्यूटन फॉल्स टू हाइट जो है का इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ पर जो है वो जो क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए हैं वो लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी और गेन ऑन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आइडियल कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन यू कंसीडर कि ये आइडियल कंडीशन है। अच्छा जी, अब इसमें कहता है जी कि फॉल्स थ्रू अ हाइट जो है काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वही गेन इन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या है MgH, जस्ट आपने फॉर्मूला ये यूज करना है। तो अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो जितना वो लॉस इन हाइट आएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 5 न्यूटन है तो आपको मैस नहीं गिवन, सो अब यहाँ से याद कर लेना बेटा आपने इंपॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू क्या होता है Mg, तो यहाँ से अगर मैस फाइंड करना हो तो F/g हो जाएगा। अगर ये 5 न्यूटन है इसका मैस मतलब क्या है 0.5, बाकी तो उसी तरह आपने सॉल्व करना है, तो मैस यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5 divided by 10, और जी की वैल्यू क्या है 10, हाइट कितनी बताई हुई है 0.25, सो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, ये आपका जो है 0.5 है, इसको आप 5/10 कर लें, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 × 5 125 आता है, इसका मतलब 1.25 जूल आंसर बन जाएगा आपका, सो आंसर आपका है जी अल्फा। सो इस वाले क्वेश्चन 22 में जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको फोर्स गिवन थी, मैस नहीं गिवन था, आप मैस वहां से कैलकुलेट कर सकते हो M=F/g के फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी वी हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल, वैल्यू ऑफ वी क्या होगी, दैट इज आल्सो सिंपल वन, और ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है जी 23 वाला। और अब इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2p² या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं Mv/v, Mv² है ना जी। अच्छा अब देखो 1/2 Mv, ये क्या है मोमेंटम, इनटू क्या आ गया वेलोसिटी, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की फॉर्मेशन। अब देखो और करना है, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है वो उनकी न्यूमेरिकली अगर ये सेम हो जाए तो ज़ाहिर है वी किसके इक्वल आ जाएगा 2 m/s, सिंपल है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाते हैं तो ज़ाहिर है ये 2 रह गया सिर्फ, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 m/s इज द आंसर, बीटा आंसर होगा जी 24, एन इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स टेंशन ऑफ 4500 N इन अ केबल रील्स एट 2 m/s, पावर बतानी है, बहुत सिंपल 24 जो है, सो 24 में जो फार्मूला पावर का यूज होना है वो कौन सा होना है, F/V, F×V, तो 4500 है मल्टीप्लाई हुआ कितना है 2, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा 9000। अब 9000 जो है अगर आपका आंसर आ रहा है 9000 वॉट, सो इसको आप 9 kW भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर kW भी गिवन है, तो 1000 इज इक्वल टू किलो, तो इट मींस आपका आंसर बनेगा 9 kW, बीटा आंसर। 25, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी देन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको लेक्चर में बताया था जब भी किसी भी फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन करते हो तो एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, और अगर अलोंग द फील्ड होंगे तो एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो जब पॉजिटिव वर्क होगा, आप देखें जब अगेंस्ट द फील्ड आप लेके जा रहे हो सब्जेक्ट को तो -MgH वर्क हो रहा है, अब आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वर्क नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे ही जी जब अलोंग द फील्ड आएंगे वर्क पॉजिटिव है लेकिन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो बड़ा सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे चार्ली, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क प्लस MgH, डाउनवर्ड आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, सो इसमें आंसर कौन सा है चार्ली, जब भी हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे एनर्जी इंक्रीज होगी, अलोंग द फील्ड वर्क होगा वर्क पॉजिटिव होगा लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इसमें आंसर है चार्ली।
26 या कार इज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स अ हिल स्टेशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. हिल स्टेशन की तरफ जाएं, सो के काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द पोजिशन, पोजिशन की वजह से है. सो पोजिशन हम कहाँ से ले रहे होते हैं, जो है वो सतह समंदर से ले रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसको हम जो है उसकी जो बेस है ऑन अर्थ जो है. सो जो जो हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट जो है वो हमारे लिहाज से क्या है, बढ़ती जा रही है, जी की वैल्यू कम होती जा रही होती है. सो इसमें हमें जो है अगर काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की भी बात कर रहे हैं, इट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, ज़ाहिर है हाइट बढ़ती जा रही है तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. और चूंकि कार एक्सेलरेटिंग, उसने खुद कहा है एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेट कर रही है, जब एक्सेलरेटिंग हो तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग. सो इट मीन्स बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों हम कहेंगे क्या हो रही है, इंक्रीज. सो कार इज एक्सेलरेटिंग, सो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज होगी. और चूंकि हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, हाइट बढ़ती जा रही है, हिल स्टेशन की तरफ जाएंगे तो भी हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही है. अल्फा आंसर है. 27 जी, द फिगर शोज द फोर्स डिस्टेंस कवर ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द वर्क डन बाय द फोर्सेज. ये इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, उसकी वजह है, इसको हमने लेक्चर में भी आई थिंक डिस्कस कर लिया था. इसमें देखें भाई, अगर आप एरिया अंडर द वर्क कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपको ना तीन बॉक्सेस जो है वो गिवन है, एक डाउनवर्ड है. अगर आप इसके पैरामीटर्स की बात करें तो टोटल हाइट 10 बन रही है. सो ये आपके पास 5 है, ये भी 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, हाइट 10 ही है. लेकिन चूंकि ये कर्व जो है वो कर्व जो है वो नीचे वाला है, इसमें वर्क डन माइनस होगा, इसमें वर्क डन प्लस 50 होगा, इसमें भी प्लस 50 होगा. अब देखें ये तो दोनों हो गए एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो बचा सिर्फ कितना 50. तो नेट यानी टोटल वर्क डन जो आपके पास इसमें कौन कितना आएगा, वो आएगा 50 जूल. सिंपल क्वेश्चन था, 27 आंसर इज अल्फा. सब स्टूडेंट्स का आई थिंक ठीक होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज आल्सो सिंपल वन. जो कि इसमें उसने हाइट आपको बताई है आपको 8 मीटर और मास गिवन है 10. उस बाद में कहता है रीबाउंड होके हाइट कितनी रह जाती है 6 मीटर. तो ये बताएं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आया है. तो लॉस कितना आया है पहले ये देख लेते हैं. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, वो है एम जी एच वन माइनस एच टू. सो मास आपको 10 गिवन है, हाइट जी की वैल्यू 10, पहले हाइट कितनी थी 8 मीटर, रीबाउंड हुई कितनी रह गई 6 मीटर. सो आपके पास कितना आंसर आ गया जी, 10 × 100 × 2 = 200. सो लॉस इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आया, 200. अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि टोटल कितनी थी, टोटल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो नेट थी वो थी एम जी एच, मास 10, हाइट जी 10 और हाइट कितनी थी 8 इनिशियल जो है. तो आपके पास जो टोटल थी वो कितनी थी 800. सो जो परसेंटेज आप निकालते होते हो तो परसेंटेज लॉस जो आपके पास क्या हो जाएगा, अब जैसे वो आप अपनी परसेंटेज मार्क्स निकालते हो, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो टोटल यानी पहले कितनी थी 800, लॉस उसमें यानी कि बाद में रीबॉर्न होने के बाद कितना हुआ है 200 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो ये दो जीरो से कैंसिल आउट कर दें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 25% इज द आंसर. तो बेटा आंसर 28 का क्या आ जाएगा, 25%. नेक्स्ट है जी 29, A body is falling freely under gravity from point A to B. The energy of the body at the point C, ground level, is. Answer इसमें बेटा आ जाएगा चार्ली. Law of conservation of according के according जो है, law of conservation of energy के according जो है, इसमें total energy at each point जो है will remain conserved, mean constant. इसमें आपका answer कौन सा बन जाएगा, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 30 जी, अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम ड्रॉप्स फ्रॉम द हाइट ऑफ ए टावर और 50 मीटर और व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द पॉइंट ड्रॉप. अच्छा मैं लेक्चर में बार बार आपको एक बात बोलता हूँ कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये सिर्फ देखना है कि वो बिलो द टॉप कह रहा है या ग्राउंड लेवल से हाइट बोल रहा है. सो यहाँ पर देखें उसने कहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी 10 मीटर बिलो द टॉप. इट मीन्स दैट कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी H1 माइनस H2.
तो टॉप की टोटल हाइट जो है वो कितनी थी जरा गौर करें, 50, ठीक है जी, 50 मीटर टॉप। अब टॉप से वो 10 मीटर बिलो कह रहा है, 10 मीटर बिलो, टॉप से 10 मीटर बिलो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एच वन अगर 50 है तो एच टू जो है वो अब कितना रह गया, वो 40 मीटर रह गया। या डायरेक्ट आप 10 मीटर भी पुट कर सकते हैं, जितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में तो 10 मीटर ही होगा ना, बिलो टॉप से उसने नीचे गिरना है। सो यहाँ एच वन जो है बेसिकली 50 होगा, एच टू जो है वो 40 लेना है आपने। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और आपको जो है वो इसमें मास कितना है 1, जी की वैल्यू कितनी ले लेंगे 10, और हाइट में डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40 आ जाएगा 10, या डायरेक्ट भी आप 10 ले सकते हैं। तो आंसर जो है वो नियरली 100 जूल। सो अब यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वो 9.8 अगर एग्जैक्ट लेते हो तो फिर आपका आंसर 98 जूल आ जाएगा। तो आंसर क्या है जी, बीटा। 31 जी, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी वी ओवर आर, ठीक है जी, सिंपल है जी। आपके 31 वाला क्वेश्चन v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v ओवर आर, सिंपल है ये, आपके पास आंसर आ जाएगा v ओवर आर। नेक्स्ट जी, टू रेसिंग साइकिल्स आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडी r1 r2 रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसमें कीवर्ड क्या है, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड्स। मैंने आपको बताया था अगर जो है वो बॉडी एक ही हो, एक ही बॉडी रोटेट कर रही हो, उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो उनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेशो 1:1 होती है, उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है उनकी रेशो 1:1 होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की रेशो 1:1 होती है, या उसने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए लेकिन जो कि वो एक ही सेम इंटरवल जो ऑफ टाइम में जो है वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, इट का मतलब ये हुआ है कि उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की रेशो जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इसमें आंसर हम क्या देंगे, 1:1 आंसर आपका कौन सा बनेगा, बीटा, 1:1। 33 जी, द साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व ऑफ 15 माइल्स पर आवर इफ टर्न्स एट डबल द स्पीड, स्पीड डबल कर दें, टेंडेंसी टू ओवरटर्न, ओवरटर्न या टर्न लेना है ना बेटा, तो टर्न जो है वो बैंकिंग पे डिपेंड करता है, जितना जाहिर है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी उतना टेंडेंसी टू ऑफ द सर्कल बढ़ जाएगी, चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन जो है ये साइंटिफिकल फोर्स जो है वो डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या होती है, वी स्क्वायर के, जो कि हम कहते हैं कि जी सिंस हमारे पास जो है वो साइंटिफिकल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। सो अगर स्पीड आपने डबल कर दी ना तो साइंटिफिकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4 times, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी भी 4 times इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जी आपका आंसर जो है वो 4 times मीन क्वार्टर पोल्ड को भी 4 times बोलते हैं, तो 4 आंसर है। 34 तो बहुत सिंपल है जी, आपको पता होगा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, 0, तो इसमें भी आंसर 0 है, 4। सो 34 में देयर इज जो है कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हम बार बार कह रहे थे क्या होता है, 0, इसमें आंसर 0। 35 जो है, तो पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंजेस इन डायरेक्शन। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे हम इसके ओवर आर वाला, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कहा था कि उसमें जो है एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड सेव होती है, अगर आपको याद हो वहाँ पर हम कहते होते थे कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम स्पीड, सो v1 और v2 आप कहते थे जो वेलोसिटी है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सिर्फ क्या हुआ है डायरेक्शन चेंज हुई है। सो अब सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन क्यों नहीं करती, सेंट्रीपिटल वर्क डन इसीलिए नहीं कर रही होती क्योंकि हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, उसमें मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता। तो चूंकि स्पीड जो है वो सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन यानी पोजिशन वैक्टर ही चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए बेटा इसमें आंसर आप कहेंगे बीटा, चेंज इन डायरेक्शन। 36 a stone of mass m is tied to a string of length l and rotated in a circle with constant speed, if the string is released the stone flies,
ये सिंपल है, चूंकि वेलोसिटी जो है हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में था कि मड जो है वो टायर के साथ जो है अगर चिपक जाती है साइकिल की, सो जब साइकिल मूव करेगा तो मड किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगी, आप कहते थे इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब बीटा आंसर होगा इसमें, टेंजेंशियल आउटवर्ड आंसर होगा जी बीटा। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, इट हैज कॉन्स्टेंट स्पीड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, इसमें जो एक्सेलेरेशन होगा उसमें वो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ले रहे हैं तो वो जीरो होगा, अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन कह रहे हैं तो वो वी स्क्वायर ओवर आर होगा, ठीक हो गया जी। सो रहेगी उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इसमें आंसर 37 का क्या होगा, एन एक्सेलेरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। A particle moving moves with constant angular velocity in circle. During the motion, its energy is conserved, momentum is conserved, energy. अच्छा इसमें आंसर बेटा है अल्फा, energy is conserved. Law of conservation of energy according, हम कहते हैं total energy neither be created nor be destroyed. तो ये total energy जो है in every case जो है कोई भी किस्म का case हो उसमें हमेशा conserve ही रहती है। जो कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम कहेंगे कंजर्व रह रही है, मोमेंटम इसलिए नहीं कह सकते, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो कि पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन मोमेंटम की भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, इस वजह से हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं कह सकते। इसमें आंसर कौन सा है जी अल्फा। 39 जी, अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग द सर्कल, फिर से आ गया जी कॉन्स्टेंट स्पीड कह रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट द स्पीड रिमेन सेम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कह रहा है। अब चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो ऑलवेज अलॉन्ग द क्या होता है, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वर्ड है ऑलवेज, इसका मतलब चाहे डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो इट विल मेक नो डिफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट है तो इसमें फिर आंसर आपका कहेंगे बोथ ए एंड डी, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफर एनी चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव किया था तो मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आना, तो आंसर इसका है डेल्टा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 जी, अ बॉडी ऑफ मास एम मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, और इसमें आंसर है डेल्टा। अब क्यों डेल्टा है, गौर से सुनना है, एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ईच पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब है जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनमें चेंज आएगा लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए आंसर डेल्टा है। इन चारों ऑप्शंस में स्केलर एक ही है, वो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा आंसर है जी। 41 डेट इज आल्सो सो सिंपल क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस पूछा हुआ है आपको, एक कैपिटल आर बताया हुआ है, एक स्मॉल आर बताया हुआ है, और गौर करें यहाँ की वर्ड क्या है, देयर पीरियड्स आर सेम, टाइम पीरियड सेम रखा हुआ है। तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो था वी स्क्वायर ओवर आर, दूसरा मैंने बताया था आपको इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला बताया था आर ओमेगा की जगह क्या आ सकता है 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर। अगर टाइम पीरियड सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 1 2 2 इज इक्वल टू, सिर्फ रेडियस ही रहेगा ना, अब टाइम पीरियड तो कॉन्स्टेंट रख लिया, सो रेडियस 1 ओवर रेडियस क्या आ जाएगा 2। सो पहले का कैपिटल आर कहा हुआ है, दूसरे का उसने स्मॉल आर कहा हुआ है, तो सिंपल आर ओवर आर आंसर आ जाएगा, कैपिटल आर ओवर आर, इसमें अल्फा आंसर है। द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ द वॉच, ये बेटा हमने बड़े इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड, देखें कैसे, एंगुलर स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है आवर्स हैंड की, मिनट्स हैंड की, तो सिंपल है जी, एंगुलर स्पीड होती है थीटा ओवर टी, ठीक है जी। अब देखो कि एंगुलर स्पीड ऑफ क्लॉक, क्लॉक में हम कह रहे हैं अब तीन चीजें, हम कहते हैं लेट्स से सेकंड्स हैंड, ठीक है, आप कहते हो मिनट्स हैंड,
लेट से आप कहते हैं आवर्स हैंड, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, ठीक हो गया। क्लॉक जो है उसमें कहता है जी तीन जो है, इसका मतलब है सुइयां होती है, एक सेकंड्स वाली, फिर एक मिनट्स वाली और एक आवर्स वाली, ठीक हो गया। अच्छा आप देखें जो सेकंड्स वाली है उसकी एंगुलर स्पीड क्या आएगी, थीटा ओवर टी। अब एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड हैंड जो है उसने अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है 2 पाई रेडियंस कितने टाइम में, 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड में पूरा जो है एक चक्कर लगाना होता है, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या आ जाएगी, पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकंड। जो मिनट्स हैंड है उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, थीटा ओवर टी, उसने जो अपना पूरा चक्कर लगाना है यानी 2 पाई रेडियंस कितने में टाइम में होगा। मिनट वाली जो सुई है वो पूरा चक्कर लगाती है 60 मिनट्स में, सो इसका आंसर जो है वो 2 पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट आएगा। अब पेपर में ये रेडियन पर सेकंड भी हो सकता है, ये रेडियन पर जो है ना आपको कैलकुलेट करना आ सकता है पर आर में भी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। आर्स हैंड, अब जो आर्स हैंड है वो अपना पूरा चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर उसने जो लगाना है यानी 2 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है उसको लगना है वो 12 आवर्स लगने हैं, तो इसका आंसर जाएगा 5/6 रेडियन पर आवर। सो ये इनके एंगुलर स्पीड्स आ गए, क्लॉक के केस में एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है रेशो, कौन कौन सी मिनट्स हैंड और आवर्स हैंड, रेशो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, यूनिट सेम होने चाहिए। जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो लेते हो यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। अब बात यह है कि इसका है, इसका आंसर का आ रहा है हमारा जो आवर्स हैंड मिनट्स हैंड है वो पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट, ये है पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। या तो इसको हम मिनट्स में चेंज कर लें या इसको आवर्स में चेंज कर लें, रेशो लेने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, मैं कर रहा हूँ इसका आंसर अगर रेडियन पर मिनट में देखें तो पाई बाय 30 है। अब मुझे ये बताओ जो मिनट्स हैंड है वो कितने मिनट में चक्कर लगा रही है, 60 मिनट में पूरा, पूरी रेवोल्यूशन 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियन पर आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर। सो अगर मिनट्स हैंड की एंगुलर स्पीड जो है वो रेडियन पर आवर में देखें, मैं कहूँगा 2 पाई रेडियन पर आवर, तो ये भी देखें रेडियन पर आवर हो गया, ये भी रेडियन पर आवर हो गया, अब हम इनकी रेशियो ले सकते हैं। सो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड टू एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड विल बी इक्वल टू, मिनट्स हैंड इज 2 पाई रेडियन पर आवर, यूनिट अब सेम हो गया, अब सिंपल आप रेशो ले लें, पाई बाय 6 ये कैंसल्ड हो गया, तो आंसर आपकी आ जाएगा 12:1 या 12 आंसर आ जाएगा। इसमें आपका आंसर कौन सा बन रहा है, बीटा। मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड क्या आएगी, मिनट्स हैंड की क्या आएगी, आवर्स हैंड की क्या आएगी। नेक्स्ट इज दी 43, अ कार ट्रेवल्स नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें की वर्ड है बेटा नॉर्थ, नॉर्थ को अंडरलाइन कर लेंगे, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट गोज ओवर अ पीस ऑफ मड विच स्ट्राइक्स द टायर और स्टिक्स टू द टायर सॉरी और द पार्टिकल्स ऑफ द मड इट लीव्स द ग्राउंड। तो जाहिर है टेंजेंशियली आउटवर्ड आपने पढ़ा है, अगर जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो जो पीस है मड का वो नॉर्थ का जो है अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो आंसर क्या होगा, टू वर्ड्स साउथ, तो आंसर आपका बनेगा डेल्टा, टू वर्ड्स साउथ। 44 भी बहुत सिंपल है जी, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। लेक्चर में आपको बता दिया था कि रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको हमें रेडियन पर सेकंड में चेंज करना है। तो 44 क्वेश्चन है जी, इसमें मेगा फाइंड करना, 121 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियंस के इक्वल, तो मिनट्स में होते हैं 60 सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड, तो 2 2s are 4 4 पाई रेडियंस पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो जब भी रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करना हो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, आंसर इज डेल्टा। 45 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, और इसमें चूंकि आपने सेंटीमीटर एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो तो जाहिर है आपने फॉर्मूला आपको पता होगा, A इज इक्वल टू आर
ओमेगा स्क्वायर, मैं डायरेक्ट देखे फॉर्मूला अब लिख रहा हूँ, जो कि इसमें रेवोल्यूशन का जिक्र था, सो मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। अब देखें इसमें रेडियस है 25 सेंटीमीटर, यूनिट्स का ख्याल रखना है, यूनिट्स अमेरिकन में यूनिट्स तंग करते हैं, तो 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अब देखें इसको आर, अब ये ओमेगा होता है 2π/T, ऐसे है ना जी। अच्छा अच्छा अब देखो कि हमारे पास जो है उसने 2 revolutions per second की बात की है। अब जो ओमेगा है, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ओमेगा भी हमने बात किया, ओमेगा 120 revolutions ये पर मिनट है। अब मुझे यहाँ जो है उसने ओमेगा जो गिवन है वो 2 revolutions per second बताया है, मुझे इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, revolutions mean 2π, रेडियन हो गया और सेकंड सेकंड ही है तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है मैं जस्ट इसको 2π से मल्टीप्लाई करूँगा, सो आपके पास ये आ जाएगा 4π radians per second। सो यहाँ जो इस क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड गिवन है 45 वाले में वो है 2 revolutions per second, तो 1 revolution होता है 2π radians के, तो सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियस था 25 सेंटीमीटर, ये होगा 0.25 मीटर, ओमेगा है 4π radians per second, ये 4π से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर, चूंकि ये 25 है इनटू 0.4 है, सो ये आपका आंसर जो है, अच्छा हाँ सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास जो है आंसर जो है आपका बन जाएगा, इसको आप 25/100 लिख लें, ये आपके पास 16π², ठीक हो जी। अब देखो ये 25 1 द 25, ये आपके पास 4, तो आपका 1/4 मीन 4π² रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा, तो इसमें आपका आंसर जो है ये आएगा जी आपका चार्ली। सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट अपने स्टैंडर्ड ही है ना, हाँ जी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी बने गए। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, अब आ गया इजी क्वेश्चन है सारे। अ पार्टिकल मास m इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पाथ r, इफ p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में रेडियल फोर्स किसको बोल रहे हैं हम, सेंट्रीपेटल फोर्स को, रेडियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को। अब सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक हो गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम वी इंटू वी ओवर आर, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में लिखते हैं, तो ये पी वी ओवर क्या हो जाएगा आर, तो पी वी ओवर आर आ जाएगा, ठीक हो गया। या फिर उसको चूंकि इसमें तो आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है इसको थोड़ा और हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, हम जो है इसको एम से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम से ही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखो ऊपर हो गया एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, यानी एम वी स्क्वेयर ओवर क्या आ गया एम आर, अब ऊपर आ जाएगा पी स्क्वेयर ओवर एम आर। अब चेक करते हैं आंसर है जी, हाँ जी, तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी चेक कर लिया हमने और उसको एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करके भी चेक कर लिया, ये वाला आंसर आपके ऑप्शन में है, इसलिए हम कहेंगे आंसर कौन सा है डेल्टा। 47 जी, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन, जाहिर है वेलोसिटी ऑलवेज टेंडेंट टू द सर्कल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और याद रखिएगा जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता, उसमें होनी चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन, तो चार्ली आंसर है। 48 जी, इसमें कह रहा है 500 किलोग्राम कार टेक्स अ राउंड टर्न, रेडियस बताया हुआ है, वेलोसिटी भी बताई हुई है, सेंट्रीपेटल फोर्स बतानी है। अब ये क्वेश्चन भी सेंट्रीपेटल फोर्स का ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ एक खास बात है, आपको वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, 36 किलो का मतलब होता है 1000 मीटर हो गया, आर एक कितने होता है 3600 सेकंड, ए 1 आर में पर सेकंड हो गया, 2 0 इससे कैंसिल आउट कर दें, 36 36 से कैंसिल आउट कर दें, 10 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाए, ठीक हो गया। सिंपल, हमने किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड कर देते हैं,
और बाकी बड़ा सिंपल है, बाकी जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपको जो है उसने सीधी सीधी वैल्यूज गिवन है। 500 मैस है, वेलोसिटी आपकी 10 आ गई, स्क्वेयर कर दें, रेडियस आपका 50 मीटर है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 × 100 तो 1000 आपका न्यूटन आंसर बन जाएगा। तो इसमें आंसर बनेगा जी बीटा। 49 भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से ही रिलेटेड है, इसमें आपको मास 0.25 दी गिवन है और अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग 1.96 सेंटीमीटर मीटर सॉरी इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मैंने आपसे कहा था, हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के इक्वल होती है। फॉर द हॉरिजॉन्टल सर्कल, लेक्चर में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल सर्कल के केस में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो हमेशा एम वी स्क्वेयर ओवर आर के इक्वल होती है, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब टेंशन जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के इक्वल होती है, ज्यादा टेंशन इन द स्ट्रिंग का मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वो आपको यहाँ बताई हुई है उसने, वो कितनी बताई हुई है 25। फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ से अगर हम इसको वेट करें तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी आर डिवाइडेड बाय एम। अच्छा जी, अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेते हैं पहले, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद स्क्वेयर रूट ले लेंगे। 25 टेंशन गिवन है यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, आर की वैल्यू है 1.96 मीटर, डिवाइडेड बाय मास, मास है 0.25। अच्छा, गौर से सुनना है, देखो न्यूमेरिकल्स में जो शॉर्टकट है उनका मतलब ये भी होता है कि जब कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं बार बार आपको चीजें सिखा रहा होता हूँ, गौर करना है, जब भी दो डेसिमल सेम डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं, प्लेसेस जो हैं, अगर दो फिगर सेम डेसिमल प्लेस में हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसल आउट कर दें, वहां से रिमूव कर दें। बड़ा सिंपल, देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो मैंने डेसिमल वहां से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल जो है मैं कहूँगा कि आप उसका डेसिमल जो है उसको क्या कर दें, रिमूव कर दें। अगर डेसिमल प्लेस सेम ना भी हो, मैं 0 लगा के सेम करके रिमूव कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंपलीफिकेशन। 25 से कैंसिल आउट 196 वी स्क्वेयर। अब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट नहीं, आपको पता है 196 स्क्वेयर रूट क्या होता है, 14। एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ गया, 14 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाए। नेक्स्ट है जी 50 वाला क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर स्पीड 2 रेडियंस पर सेकंड, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। यहाँ मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। मास भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है। सिंपल आपका आंसर 20 न्यूटन आ जाएगा, चार्ली। तो 50 का आंसर बेटा चार्ली 20 न्यूटन। 51 जी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग इन सर्कल सर्कुलर ऑर्बिट 10 टाइम्स पर मिनट। अच्छा बेटा, हमने जो है, मैंने आपको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट बताए थे वो क्या क्या बताए थे, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन, ये तीन ये थे जो कंपेयर किए थे। सो यहाँ पर आंसर आपको रेडियन और डिग्री में गिवन है, इसका मतलब ये आंसर रेडियन में आएगा या डिग्री में आएगा, दोनों हम चेक कर लेते हैं बारी बारी। आप देखो कि हमारे पास जो ओमेगा है वो किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर टी। ठीक हो गया, तो या तो हमारा आंसर रेडियन पर सेकंड में आना चाहिए या डिग्री पर सेकंड में, दोनों में चेक कर लेते हैं। 10 टाइम्स पर मिनट, इसका क्या मतलब है, 10 टाइम्स पर मिनट जो है। अब 10 टाइम्स मीन के अब एक टाइम पूरा चक्कर लगाएं तो कितना एंगल कवर होता है, 360। तो 10 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10, तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट करूंगा डिग्री में, 360 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्रीज। अब टाइम जो है पर सेकंड जो है, पर सेकंड कितना टाइम सेकंड में गिवन है, पर मिनट वो कह रहा है, पर मिनट, तो मिनट में कितने होते हैं, सेकंड जो है 60 सेकंड्स, तो मैं इसको 60 कर दिया, डिग्री पर सेकंड बन गया। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो 66 से कैंसिल आउट, 60 डिग्रीज पर सेकंड आंसर आ गया।
तो ये वाला आंसर ऑप्शन में है यस, तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, डेल्टा। अब इसको रेडियन पर सेकंड में भी आप कर सकते हैं, वो कैसे, एक साइकिल में कितने होते हैं जी, 2 पाई रेडियंस। अब 10 चक्कर लगाए हैं तो मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 10 पर मिनट कह रहा है तो डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स, ये से कैंसिल आउट हुआ तो ये आ जाना आपका पाई बाय 3 रेडियंस पर सेकंड। तो आंसर चेक कर लेना, अगर आप पाई बाय 3 तो यहाँ नहीं है कोई, या 1.6 है, 66 है, सो ये पाई होता 3.147 तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये आना है 3.1.01 ये रेडियन पर सेकंड। तो क्लोज ऑप्शंस हो तो हमें उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर बन रहा है तो बेस्ट ऑप्शन हमारी यही होगी, 1.0 वाला कोई नहीं है यहाँ पर। सो आंसर आपका बन रहा है जी डेल्टा। 52 जी, पार्टिकल्स कम्स राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 meter once. टाइम टेकन इन बाई इट इन 10 सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोशन। ये बड़ा सिंपल है जी, और 52 वाला, उसकी वजह कॉन्सेप्ट जरा देखें, रेडियस 1 meter और कह रहा है वंस। अब वंस एक चक्कर लगाओगे तो जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं वापस आएंगे, जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस आओगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, तो एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी है तो वो 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सो आंसर इज 0। 53 जी, अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, मस्ट बी 0, इसका भी आंसर 0, बीटा। 54 जी, 100 किलोग्राम कार इज मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 9 meter per second अक्रॉस अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 meter, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द कार। ये बेटा किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको भी आपने क्या करना है, mv² / r का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर होगी वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, mv² / r। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है, आपका आंसर जो है वो सिंपल आ जाएगा 270 न्यूटन, बीटा आंसर है 54 का। 55 जी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज 70 radian per second, इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 meter, देन द वेलोसिटी ऑफ द व्हील क्या होगा, सिंपल फार्मूला v = r ओमेगा, इसमें आंसर बनेगा चार्ली 35 meter per second। और 56 जी, मास 0.1 kilogram, विल्ड हॉरिजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस 1 meter बाय मींस ऑफ द स्ट्रिंग, इनिशियल स्पीड 10 revolutions per minute है, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कह रहा कांस्टेंट कर दें, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, न्यू स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी। अच्छा बात यह है कि हमें पता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो हम एग्जैक्टली किसके इक्वल लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जैक्ट ले रहे होते हैं इन हॉरिजेंटल सर्कल, तो मैं टेंशन को कहता हूँ mv² / r। अब रेडियस मास कांस्टेंट कर लें तो टेंशन डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या होगा, v² ऐसे ही है। अच्छा अब यहाँ से मैं अगर वेलोसिटी का टेंशन के साथ रिलेशन निकालना चाहूँ तो स्क्वेयर रूट ऑफ टी आएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वेयर है। अब इसको वो कह रहा है कि अगर हम टेंशन को कितना कर दें, 1/4, अगर टेंशन को हम 1/4 कर दें, यानी t/4 कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यू जो है वो 1/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर लेट से कि टेंशन को 1/4 टाइम्स डिक्रीज करते हैं, सो आपके पास वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको 4 times करते हैं तो वेलोसिटी डबल हो जाती है, क्योंकि वो 1/4 कह रहा है, तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसमें सिंपल आंसर आपका बन जाएगा जी, पहले कितना था वेलोसिटी, कितनी थी 10 revolutions per minute, अब हाफ होके कितनी रह जाएगी, 5 revolutions per minute। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस रिलेशन से देखना आपने, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हम टेंशन के इक्वल ले रहे होते हैं, टेंशन यहाँ डायरेक्टली पोर्शनल v² है, या वी डायरेक्टली पोर्शनल स्क्वेयर रूट ऑफ टाइम टेंशन है, टेंशन अगर 1/4 करोगे तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। इसमें आंसर है जी 5 revolutions per minute। 57 जी, 2 particles ऑफ द मास रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पास ऑफ रेडियस r1 and r2 रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, सेंट्रीपिटल फोर्सेज की रेशियो r2/r1।
यही फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो अगर स्पीड सेम है तो सेंट्रीफ्यूगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर। यहां से एफ वन ओवर एफ टू की रेशियो आर टू ओवर क्या आ जाएगी, आर वन। अब इसमें याद रखना तो जो है इसमें भूलना नहीं है, अगर यही वो कहता कि एंगुलर स्पीड कॉन्स्टेंट है फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर एंगुलर स्पीड यहाँ उसने सिंपल लीनियर स्पीड को कॉन्स्टेंट रखा है, अगर एंगुलर स्पीड को कॉन्स्टेंट रख लें तो फिर एफ वन ओवर एफ टू, फिर आपका आंसर होता आर वन ओवर आर टू। तो एंगुलर स्पीड को कॉन्स्टेंट रखें तो आर वन ओवर आर टू, लीनियर स्पीड को कॉन्स्टेंट रखें तो आर टू ओवर आर वन। इसमें आंसर है जी अल्फा 58। टू सैटेलाइट्स ऑफ मास एम वन एंड एम टू, एम वन इज ग्रेटर, आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग देयर ऑर्बिटल स्पीड्स। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है क्या होता है जी, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। सो मैंने आपको क्लियर बताया था कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो यहाँ पर जो है चूंकि उसने कहा है जी एम वन इज ग्रेटर दैन एम टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन दूसरे में कहा है आर वन इज ग्रेटर दैन आर टू, आर वन इज ग्रेटर दैन आर टू, तो आर वन बड़ा होगा तो ऑर्बिटल स्पीड कम है, आर टू चूंकि एज कम्पेयर टू आर वन स्मॉल है तो जिसका रेडियस कम होगा ऑर्बिटल रेडियस की स्पीड ज्यादा होगी। तो आंसर बनना है जी चार्ली, वी वन इज लेस देन वी टू। 59 जी, 59 में जो है वो आपने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ा था, आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, या फिर इसको जो है वो डायरेक्ट कर लें यहाँ पर, जो कि उसने क्या पूछा हुआ यहाँ जस्ट रिलेशनशिप टाइम पीरियड का, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। सो यहाँ से देखें 4 पाई तो है कॉन्स्टेंट 4 पाई स्क्वायर, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब ओवर जी एम बनेगा, यही इसका रिलेशनशिप बन सकता है। इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली। अच्छा बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो 60 है, अगर इसकी बात करें 60 वाले क्वेश्चन की, तो इसमें जो है वो थोड़ा कॉमन सेंस बस आपने यूज करनी है। डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है, अब देखें कि सेंटर ऑफ द अर्थ से, अब जियो स्टेशनरी रेडियस जो आप कैलकुलेट करते हो वो होता है 4.23 × 10⁻⁷ मीटर, या आप इसको कह रहे थे 4.23 × 10⁴ किलोमीटर, बात एक ही है। मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली, या रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का आ रहा है वो, इसको 23 जो है उसको मैं जो है ना अप्रोक्सीमेशन के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन जो है वो 42 जो है 1000 किलोमीटर बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, बात ये है कि अब हमारे पास जो है हमें रेडियस ऑफ अर्थ की टर्म, जो कि आंसर है 5R, 7R, 10R, 18R, तो सिंस हमें पता है कि आर जो है वो होता है 6400 किलोमीटर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस अर्थ की टर्म में मुझे अगर इसको बताना हो कि कितनी बन रही है सेंटर से आर जो है, तो मैं 42,000 किलोमीटर जो है उसको 6400 किलोमीटर से डिवाइड करूँगा, तो किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल आउट हो गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है, ये आर की वैल्यू निकालने के लिए ये 000 इसे कैंसिल आउट हो गए। आगे आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 32 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, इसको फर्दर आप कैलकुलेट कर लें तो 105 ओवर 16 आ जाएगा। अब देखें 16 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है वो कितना होता है 96, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 6.6 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं आप 0.5 से आगे जब निकल जाते हो तो इसका मतलब है आप इसकी वैल्यू जो है वो कितनी कंसिडर करेंगे, 7 कंसिडर करेंगे आर, ठीक है जी। पॉइंट्स के ऊपर जितना आप आगे निकल जाते हो वो नियर टू आ रहा, अगर ये 6.3 आ रहा होता, जो कि मैंने यहाँ 2-3 को इग्नोर भी 3 को इग्नोर भी हो गया था, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है नियरली जो है वो नियरेस्ट पूछा हुआ उसने
सेवन आर की इक्वल होगी, सेवन टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ जो है, इसका आंसर बेटा क्या आएगा, सेवन आर। आई होप सो कि बेटा इसमें आपका मैक्सिमम स्कोर जो है वो हुआ होगा। अब कुछ बेटा क्वेश्चंस के ना आपके आंसर जो हैं जो आप ग्रुप में भी पूछ रहे होते हैं, वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने क्वेश्चन पुट करते हैं, दो तीन मैं चीज़ें आपको क्लियर कर लूँ। कुछ आप में से बेटा रिपीटर भी हैं, वो भी क्वेश्चन पुट करते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर कुछ क्वेश्चंस की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब उसके पूछने का मकसद ये था कि कुछ क्वेश्चंस ना बड़े डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, तो हो सकता है वो एमडी कैट में ना आते हों लेकिन यहाँ पर गिवन होते हैं। बेटा उसका एक मकसद है, चूँकि हम एंटी टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन में क्या होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है वो आपके फाइनल्स में ना आते हों लेकिन यहाँ पर शामिल किए जाते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। जब वो क्वेश्चन जैसे अभी आज के डिस्कशन में हमने दो तीन ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक के बजाय दो दो तीन तीन फार्मूलाज यूज हो रहे थे एट द सेम टाइम। अब उसमें देखो अगर आप उस क्वेश्चन में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, दो तीन फॉर्मूले इकट्ठे लगा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको वो फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सम टाइम्स जो है वो जो यहाँ डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है आपका, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन और अच्छी हो जाए कि वहाँ पर फॉर्मूला जो है वो आपको जो है वो फौरन से फ्रीक्वेंटली याद आ रहा हो। दूसरा क्वेश्चन ये था कि न्यूमेरिकल को जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करें, हम जो है वो जो बहुत डरे हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे होते हैं। तो बेटा उनके लिए ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और शॉर्टकट्स पे तवज्जो करें जो हम यहाँ कह रहे होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो डेसिमल पोजिशंस अगर सेम हो तो हम जो है वो डेसिमल को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, शॉर्टकट है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जो आपको बताया जा रहा है उसको आप ना नोट डाउन करते जाएँ, ठीक हो गया, ताकि शॉर्टकट्स छोटे छोटे साथ ऐड होते जाएंगे। जैसे 196 आप देखो 105 और 16 है, अब 16 मल्टीप्लाई 5 होता है 80, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है 1, कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है 196 ऐसे ही, अब 6 96। इसी तरह से जो है ना आप देखें कि अब आप जो है वो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो नियर टू जो है वो आपका 7 यानी 6.6 अराउंड आ रहा है। अब आप जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको फौरन से गैस करनी अगर आती हैं सो आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं। न्यूमेरिकल में बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपने कैलकुलेशंस को अपनी तरफ से आसान बनाने की कोशिश करनी है। सोचना ये है कि मैंने न्यूमेरिकल को लेस देन 1 मिनट में सॉल्व करना है, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक हो गया बेटा। सो कोशिश करेंगे साथ साथ कुछ एक इंशाल्लाह आगे जाके हम कुछ एक लेक्चर ऐसा भी रखें जिसमें मैथमेटिक्स के शॉर्टकट्स में एक लेक्चर में प्रॉपर जो है वो आप लोगों को गाइड कर दिया जाए, वो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे। तीसरा और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के डिस्कशन में, जो डिस्कशन होती है उसमें क्या नोट डाउन करना होता है। जैसे ग्रुप में मैं देख रहा होता हूँ अक्सर बच्चे ना वो डिफरेंट कह रहे होते हैं, स्क्रीन शॉट लेके पेपर सेव कर रहे हैं अपने पास, उनकी तरतीब लगा रहे हैं, प्रिंट आउट लेके रख रहे होते हैं। देखो आपके लिए क्वेश्चंस बड़े पड़े हैं, प्रैक्टिस बुक में वैसे आपको मिल जाएंगे। असल में डिस्कशन में जो नोट डाउन करने वाली चीज़ है वो क्या है, आज की डिस्कशन में 60 क्वेश्चंस थे और आप देखें कि 60 क्वेश्चंस में कितना आपने नॉलेज गेन किया है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप उसको आपने नोट डाउन करना था। क्वेश्चन वन में जो है कहाँ कॉन्सेप्ट आया, कहाँ हमें कीवर्ड अंडरलाइन करना पड़ा, किस न्यूमेरिकल में हमें डिफ़िकल्टी फेस हुई, उसमें क्या करना पड़ा, फिर लास्ट में रेक्टिफाई करना अगर आपके 5 to 10 मिस्टेक्स हुई हैं, किस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, फिर उस क्यों हुई मिस्टेक, वजह उसकी, आइंदा से वो नहीं करना, उसको दोबारा आपने रिवाइज करना है, उसको आपने कट कर लेना, कॉन्सेप्ट की मिस्टेक थी उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, और जहाँ प्रॉब्लम आपके फॉर्मूले की आ रही है वहाँ फॉर्मूला इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है जी, इन फ्यूचर ताकि आपके शॉर्ट लिस्टिंग में काम आएगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है यूनिट्स में मुलाकात होगी। अब नेक्स्ट यूनिट जो है इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आएगा, ये तो ईजी थे चूँकि वर्क एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो है हमारा है टॉपिक ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन जो है आपका बुक वन का चैप्टर नंबर पूरा 7 बन रहा है, बहुत सारे बच्चे जो है अक्सर यूनिट 7 जो है चैप्टर 7 सॉरी उसको इग्नोर कर रहे होते हैं इन रेगुलर क्लासेस, तो उसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, कल मुलाकात होगी बेटा, अल्लाह हाफिज़।